Hi guys! Bye guys! Namaste! Anya! Welcome back to my new vlog! देखो गाइस, ठंड का इफेक्ट, आंसू गिरते आंसू, दुख के मारे नहीं ऐसे आंसू। तो अभी मॉर्निंग 8 बजने वाले हैं और मेरे को किसी को 9 बजे मिलना है म्योंगबोंग में। वो यहाँ पे कोरिया में एक दिन के लिए स्टे पे है, जैसे वो कनाडा से इंडिया जा रहा है। मुझे पता है यहाँ पे आने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। तो 2-3 घंटे यहाँ पे हैं, अगर मैं जितना उसको दिखा सकती हूँ मैं कोरिया दिखाना चाहूँगी। बेशक मैं कितनी भी अच्छाई बुराई करती हूँ, बुराई करती हूँ कोरिया की, बट कोरिया इतना भी बुरा नहीं है। एक्चुअली बुरे पॉइंट्स जो दिमाग में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कोरिया बहुत अच्छा, इतनी तंज है बस। या उसके लिए मैंने ग्लव्स लिए अपने, जो मैं इंडिया से लेके आई थी। सुबह 9 बजे म्योंगबोंग, बिना खाए पिए। आई विश उस बंदे के साथ खाना पीना ढंग से हो जाए आज का। अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल मॉर्निंग ही खुल गया। बुकमार्क तो लंगी जा, तो बोल ली जा। हेलो गाइस, जिधर तुम एक जिधर की तरफ साथ हो, क्या आप बहुत ही बस रहन दे। हाड़ी व्लॉगिंग इतने ही खत्म हो गई है, तो बोल भी साथ दे। हाँ तो रिकॉर्डिंग पाएंगी नहीं बेचे? पाऊंगी। स्टारबक्स या जुराबा, ए मेरे हिंदी पंजाबी इकट्ठे निकल जाते हैं रब्बा। मैंने लगता मैं पाऊंगी नहीं वीडियो, मैंने लगता मैं तेरे जान तो बाद ही वधिया वीडियो बनाऊंगी। छतरी किसके कानों में बारिश लग रही है? दारू की बोतल है। क्यों है ये पसंद है मेरी शक्ल ये रही। लास्ट टाइम जब क्लब गई थी तो मेरी फोटो किसने क्लिक करके ऐसे लीक की गाइस। ये पसंद आया मैरी क्रिसमस के लिए। के साथ मतलब मैं घूम रही थी, मतलब थोड़ा बहुत तो उसको दिखाया म्योंगबोंग के साइड में, क्योंकि वो यहीं पे था। और अब उसको मैंने सी ऑफ कर दिया, बाय कर दिया। वो वीडियो में नहीं आना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसके साथ वीडियो शूट नहीं किया है। और अभी उसको मैंने कितनी बार बोला कि खा ले, बट वो खाना नहीं खाना चाहता था। ऊपर से वो वीगन था, तो उसको कोरियन फूड पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इशूज़ का जो मुझे पहले थे। तो बट उसको बाय कर दिया, पर मैं तो कुछ खाऊँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरा दिन रहना है। तो ब्रेकफास्ट मैंने सोचा कॉफ़ी चॉकलेट है और ब्रेड, चीज ब्रेड ली है इतने बड़े प्लेट में। और ये मुझे कॉस्ट इसका है 10,800 कोरियन वॉन। ये मेरा नाश्ता इतना महंगा है, इसमें कितनी अमीर हो। और अब मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे अमीरों की तरह खाना है इसको। आज का व्लॉग शॉपिंग व्लॉग है ETC जो भी है, क्योंकि म्योंगबोंग जो है वो शॉपिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी सी अलग शॉपिंग करूँ। पिछली बार भी मैं म्योंगबोंग आई थी तो मैंने आपको दिखाया था क्या क्या सामान होता है। इस बार थोड़ा और अच्छे डिटेल में दिखाऊंगी, विंटर कलेक्शन दिखाऊंगी, और कहीं और जाने का मन किया तो वो भी जाऊँगी। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती थी कि ना, मैंने बोला था कि मैं नाइट व्लॉग बनाऊंगी, मतलब पिछले वीडियो में कि मैं नाइट व्लॉग बनाऊंगी, मतलब पार्टी वाली व्लॉग आपको दूंगी। मैंने बनाई क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड नाइट था, हम बहुत ज़्यादा तैयार होकर गए थे बॉलीवुड नाइट में, बट कॉपीराइट क्लेम बहुत आ रहे थे क्योंकि सॉन्ग्स की वजह से। तो वो वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगी। मैं बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, आज भी मुझे बहुत अच्छी लग रही, बट उस दिन मुझे पता नहीं अब इतना अच्छा लगता है। पार्टी तो कितनी अच्छा मेकअप करती है,
पीछे लोग पागल ना कहने मुझे, बट ये कैसी हरकत कर रही हूँ। मैंने आपको आज अपना फैशन नहीं दिखाया, पॉइंट है ये दिल और ये है टॉप, देन ब्लू जीन्स, देन ब्लैक शूज, पैडिंग ऊपर से पहनी है। तो सारी ब्लॉग में मेरी सिर्फ पैडिंग ही दिख रही है, ऐसा लग रहा है मैं इसका प्रचार कर रही हूँ, बट जो भी है ठंड बहुत है तो यस हम देख सकते ठंड कितनी है। मुझे आधा गिलास झाग ही मिला, झाग। गाइस ये मेरी फेवरेट शॉप है, 5 seconds हम यहाँ से कपड़े खरीदेंगे थोड़े से। इतने सारे ब्लैक और डार्क कलर में मेरा फेवरेट कलर ये है, ये है, बट मोया ये तोड़िए के कपड़े का। अच्छे स्टाइल वाली जीन्स, ये कलर ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये सन क्रीम की वैरायटीज है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये है, ये महंगी है यार। मैं इसीलिए शॉपिंग करने नहीं आती, मैं पैसा बहुत उड़ाती हूँ। अभी ऑलिव यंग से मैंने आई थिंक 40,000 का सामान खरीदा है यार, ये कैसी सेल है, 50% ऑफ पे भी मेरी जेबें खाली हो जा रही है। अचानक से मुझे दिमाग में ये बात आई बैठे बैठे, यार कच्चा लड़का होता है तो कच्ची लड़की होती है, तो पैंट जो पैंटा क्यों नहीं बोलते, चड्डा चड्डी ऐसे क्यों नहीं बोलते, आप लोग क्या बोलते, कच्चा कच्ची या चड्डा चड्डी। यार कच्चा तो वो नहीं होता जिसमें सारा समुद्र का पानी आ जाता है, जो बुजुर्ग लोग पहनते हैं। Yes, खाली दिमाग में ये सब चीजें आती है, तभी कहते हैं गाइस मेरे साथ कोई घुमा करो, मैं अकेली घूमती रहती हूँ, चड्डा चड्डी ही करती रह जाती हूँ। बंटी तो गिरने वाली थी, वो मैं थी ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, मैं इतने हाँ करके निकली और मैं गिरने वाली थी। गाइस स्कूल सेंटा आ रहे हैं, कितने सारे गिफ्ट्स लेके, बड़े खाली हैं अंदर, कूल है ना। और मैंने अपने फेवरेट स्नैक्स लिए, ये ठंडा फंडा जैसा कुछ है, मैं ट्राई करूंगी घर जाके, ये मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं, चॉकलेट बॉल्स। ज़ारा पे आई हूँ, ज़ारा को रिव्यूज देती हूँ, मेरी खुशी निकल जाती है यहाँ जब जब आती हूँ। इतनी स्क्रॉच ब्राइट यहाँ कर रहा है, इसे तो बर्तन धोती थी मैं घर पे। ये थुंदा जी अपनी जैकेट यहाँ भूल गए, कौन से दुल्हन के लहंगे को इन्होंने पजामा बना दिया, सारी सिपी आ गई। हमारे यहाँ के 100 रुपये का पजामा, ये 100 रुपये का। इस कपड़े की थीम है आगे का बचाओ पीछे का दिखाओ। यार इनको कैसे पता चला मैं बेली डांस सीख रही हूँ, जामे में ऐसा क्या है ये जो 2 लाख कोरियन वोन का बेच रहे हैं। यहाँ शिमर डाल के इन्होंने जो गंद पाया तो इसको फोड़े हो गए, फोड़े मकड़ी ने इसकी बाजुओं में जाला लगा दिया। गाइस यार मुझे 2 जैकेट पसंद आई है और दोनों 80,000 कोरियन वोन के, मुझे अच्छी बड़ी अच्छी लगी ये है, बट ये मैन की लग और मुझे स्टैम्प्स मिले, ये फुट पता नहीं फुट मसाज वाला कुछ पैक मिला, फेस ही दे देते यार, फुट कौन देख रहा। और ये क्यूट सब ये बलून सा मिला, अब इसका मैं क्या करूँगी पता नहीं, बट क्यूट था तो मैंने ले लिया। फ्री का सामान ले लेना चाहिए गाइस, पैसे कौन से लग रहे हैं। अरे अब मुझे लास्ट स्टैम्प लेने जाना है, लास्ट स्टैम्प लेके मुझे कुछ और भी मिलेगा। सो ये यार मैं ना जैसी एंड हुई, एक तरफ लुई विटॉन था एक तरफ शनेल था, मैं अपना गरीबी वाला गुब्बारा उठा के एंट्री मार रही हूँ, मेरी हंसी निकली जा रही है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ये बच्चे का गुब्बारा देखे फुसला दिया। एक तो हर फ्लोर पे इतने हैंडसम हैंडसम लड़के हैं, उनको मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि गाइस मैं वो चीज़ उनके पास नहीं आ रही हूँ, वो लोग भी दुखी हो रहे हैं।
यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसके बेसमेंट पे या टॉप फ्लोर पे खाने का सिस्टम होता है, तो मैंने बेसमेंट में वो दी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने की स्मेल आ रही है, जैसे ये लोग क्योंकि ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। और मैंने किम्बा ऑर्डर किया है, ये चीज़ किम्बा पे है और इसमें से मैंने फिश केक उड़वा दिया है। फोटो खींचो और ऐसे स्कैन करके आपकी फोटो आएगी, लाइक इट। जो मुझे कह रहे, ये बिल्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है, उसके साथ में वो डियोर का आई थिंक बिल्डिंग। तो ये आइस स्केटिंग का कोई सिस्टम है, ये लोग लाइन में लगे, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं भी लाइन में लग गई और मुझे इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और मैं आइस स्केटिंग करूँगी आज, मैं हाथ पैर तोड़वा के जाऊँगी लग रहा है, बट देखते हैं। पता नहीं क्या लाइन में बहुत लगे हैं यार, सच्ची मेरी कितनी ज़्यादा रेड हो गई है सारा कुछ। एक्चुअली इतनी ठंड है तो हम सारे जो है ये यहाँ पे पता नहीं कौन सा ये हम आग के पास खड़े हैं, धूप ले रहे, मतलब गर्मी ले रहे हैं जैसे हम इंडिया में लेते हैं यार, ऐसे देखो हाथ रख गर्मी ले रही हूँ, फिर भी बहुत ठंड लग रही है, इसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा, नकली आग है नकली। टेम्परेचर जो है -16 है और मैं वो 8:30 बजे तक वो नहीं कर पाऊंगी आइस स्केटिंग, तो मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये मेरा 2 रुपये वाला बलून मेरे साथ जाएगा, सच्ची बहुत ठंड है।